स्पेशल थैंक्स टू गणेश ऑटोमोबाइल कोलकाता गोड़िया अवंतीपुर, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो भाई ये रही R15M जो कि 2022 में लॉन्च हुआ है, और ये दोस्तों 68th एनिवर्सरी वाला एडिशन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वाइट और रेड कलर में है। एक तो ये जो कलर है ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश होंगे। तो मुझे तो ये ठीक ठाक सा ही लगा है, मतलब उतना कुछ अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा है फिलहाल के लिए। दोस्तों फ्रंट पे आप लोग देख सकते हो टेलीस्कोपिक USD फॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, साथ में आपको रेडिएटर कूलिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और ABS आपको फ्रंट में मिलता है, बाइब्री की तरफ से कैलिपर है, और आपको यहाँ पे 100th सेक्शन की फ्रंट टायर देखने को मिलता है। और गोल्डन रिम जो मतलब चीज़ है ये यामा की बाइक में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो अभी ये R15 में भी आ गया है। दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर जो है स्टैंडर्ड सा ही है, यहाँ पे हेलोजन यूज़ किया गया है, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा पे करके LED वगैरह लगा सकते हो। आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर मिलता है, स्लीपर क्लच मिलता है, मतलब आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक का नाम ले लो जो कि बाइक में होता है, वो आपको एक छोटी सीसी की बाइक में मिल जाएगा R15M में। यहाँ पे दोस्तों क्विक शिफ्टर के वजह से आपको बिना क्लच के आप गियर शिफ्ट वगैरह कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ बन जाता है। और आपको यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रंट फुटरेस्ट का जो मॉड्यूल है, यहाँ पे कुछ कलर वगैरह शायद से नहीं किया गया है, बिल्कुल जो मेटलिक या एल्युमिनियम की कलर होता है वैसे रखा गया है, जो कि दिखने में मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा है। कुछ अगर कलर वगैरह कर देते तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता, भले ही वो सिल्वर हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फिट एंड फिनिश है ठीक ठाक ही है। यहाँ पे जो रेयर फुटरेस्ट वाला जो मॉड्यूल है उसको ब्लैक में रखा गया है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। पीछे आपको ABS देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों डुअल चैनल ABS को कम्प्लीमेंट कर देता है एक साथ। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो रेयर टेल लैम्प, जो कि V3 जैसा ही है, उतना ज़्यादा चेंजेस तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है ओवरऑल स्टाइलिंग के साथ। अगर आप इस बाइक को लेते हो तो LED ज़रूर से लगवा लेना। दोस्तों यहाँ पे आपको स्विंग आर्म मिलता है जो MT-15 में नया आया है, मतलब यहाँ पे आपको एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलता है, तो रस्ट वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, जो चेसी का कलर है, जो जहाँ जहाँ पे एक्सपोज है वहाँ पे आपको मैट फिनिश वाला ब्लैक मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। और आपको यहाँ पे सिंगल मोनोशॉक देखने को मिलता है, कोई भी गैस चार्ज का अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2,27,000 प्लस की प्राइस यहाँ पे है, तो इतनी प्रीमियम प्राइस टैग के साथ सब कुछ देना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिलता है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्विक शिफ्टर की इलेक्ट्रॉनिक वगैरह गियर के साथ कनेक्टेड है, मतलब गियर कैलिपर के साथ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो स्टाइलिंग है इस साइड से भी कुछ ऐसा है। और यहाँ पे दोस्तों जो गोल्डन कलर में जो यामा की लोगो है वो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है, आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। वैसे वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन जो V3 से आ रहा था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो सब है, और यहाँ पे कॉल मैसेज सब कुछ यहाँ पे इंडिकेटर आप लोग देख सकते हो। वैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कुछ हद तक इंस्पायर मुझे लगा है सुजुकी की बाइक से लिया गया है, आप लोग कॉमेंट में बताइए कि आपको लगता है या नहीं। और यहाँ पे गियर पोजिशन इंडिकेटर आपको यहाँ पे एवरेज वगैरह भी थोड़ा बहुत शो कर देगा, सब कुछ है। स्विच की क्वालिटी दोस्तों ठीक ठाक है, आप लोग देख सकते हो स्टार्ट रन स्टॉप यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे हैजर्ड लैम्प की स्विच भी देखने को मिलता है, तो अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रिप इन्फो वगैरह आपको हैंडल बार की कंट्रोल में ही देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। दोस्तों यहाँ पर आपको गोल्डन कलर की जो फ्रंट फॉक्स है वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और कम्प्लीमेंट लुक देता है। दोस्तों यहाँ पे MotoGP एडिशन है 68th वाला, जैसे कि जो कलर है। 11 लीटर की फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पावर की बात करें तो 18.4 PS की है, और टॉर्क यहाँ पे 14.2 Nm की है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा एग्रेसिव पावर आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे R15 में होता है, कुछ वैसा ही है। सीट कम्फर्टेबल है, पिलियन के लिए छोटा सा सीट है, वैसे ये बाइक पिलियन लोगों के लिए होता नहीं है तो आप लोग पहले से ही जानते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल इसकी जो स्टाइलिंग है बिल्कुल मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मिक्स फीलिंग है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे बताइए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी मुझे बताइए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव बाइक रिलेटेड वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग।